फ्रेंड्स, ऑर्थोडिया डेली में आज आपका स्वागत है और आज हम शोल्डर के एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे कि शोल्डर के जो मूवमेंट्स हैं, अलग अलग मूवमेंट्स, जैसे कि शोल्डर का एबडक्शन हुआ जिसके अंदर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल काम करती हैं मिलके, जिसकी वजह से शोल्डर को आप अवे फ्रॉम बॉडी ले जाते हो। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल रोटेशन का मूवमेंट होता है वो इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर की हेल्प से होता है। इंटरनल रोटेशन की जो एक्टिविटी होती है उसमें टेरिस मेजर, लेटस मेस्टरोसाइस, सब स्कैपुलरिस और पेक्टोरिस मेजर का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट जब हम खास तरीके से किसी खास मसल के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि कहीं हमारी ये मसल तो या ये टेंडन तो इंजर्ड नहीं है, जैसे कि रोटेटर कफ इंजरी में सबसे कॉमन होता है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के अंदर टीयर होना, तो इसको एग्जामिनेशन से आप कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसके लिए जॉब्स टेस्ट या एम्प्टी कैन टेस्ट होता है। इसके अंदर पेशेंट खड़ा है या बैठा हुआ है और उनकी आर्म को आप आगे की डायरेक्शन में फ्लैक्स करते हैं, थंब को डाउन, थंब डाउन वाली पोजिशन में रखते हैं जिसे हम एम्प्टी कैन पोजिशन कहते हैं। पेशेंट से हम बोलते हैं कि हम आपके फोर आर्म को डिस्टली प्रेस करेंगे और आप इसे वापस ऊपर उठा के रखने की कोशिश करना। तो अगर हमारा प्रेस करना ज़्यादा इफेक्टिव है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सुप्रास्पाइनेटस मसल के फंक्शन में कमी है। तो अगर वो हम नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, वो लगातार ऊपर की तरफ फोर्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब सुप्रास्पाइनेटस मसल की अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग अभी है। दूसरा टेस्ट होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल रोटेटर होती हैं। इसमें हम दोनों आर्म्स को बॉडी के साथ में लगा के रखते हैं, एल्बो को 90 डिग्री में फ्लैक्स कराते हैं। अब पेशेंट से बोलते हैं कि वो दोनों फोर आर्म को बाहर की तरफ एक्सटर्नली रोटेट करे और हम उस मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं। तो अगर पेशेंट की इंफ्रास्पाइनेटस मसल के अंदर प्रॉब्लम होगी तो ये जो एक्सटर्नल रोटेशन का मूवमेंट है वो पेशेंट जो है कर नहीं पाएगा, वो इंटरनल रोटेशन में रहेगी मसल उसकी, अगर इंफ्रास्पाइनेटस के अंदर प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से जो टेरिस माइनर के लिए हॉर्न ब्लोअर टेस्ट किया जाता है, जिसमें इसी एक्सटर्नल रोटेशन को चेक करते हैं क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करने वाली मसल है। तो इसके अंदर आर्म को हम 90 डिग्री के एबडक्शन पर रखते हैं, फोर आर्म को अपराइट पोजिशन में जो हॉर्न ब्लोइंग पोजिशन होती है उसमें रखते हैं 90 डिग्री। और अब हम पेशेंट से उस पोजिशन के लिए बोलते हैं, तो अगर वो पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाता है और फोर आर्म उनकी इंटरनल रोटेशन में गिरती है तो इसका मतलब है कि टेरिस माइनर मसल के अंदर वीकनेस है। सब स्कैपुलर इसके अलग अलग फाइबर्स के लिए दो टेस्ट होते हैं। बैली प्रेस टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट खड़ा हुआ है, वो अपनी बैली को अपनी पाम से प्रेस करेगा और अगर उनकी एल्बो प्रेशर करने पर मिड एक्सिलरी लाइन से आगे की तरफ आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी सब स्कैपुलरिस मसल का जो अपर पार्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है। और अगर वो पीछे की तरफ लिफ्ट ऑफ टेस्ट में अपने अफेक्टेड साइड को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, उनका डॉर्सम ऑफ हैंड लोअर बैक से लगा हुआ है, और अगर उसके बाद पेशेंट से एग्जामिनर बोलते हैं कि उसको ऊपर की तरफ करें और एग्जामिनर वापस उसे बैक की तरफ दबाने की कोशिश करते हैं, तो अगर पेशेंट उस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता है तो वो लिफ्ट ऑफ टेस्ट या वो सबस्कैपुलरिस टीयर की तरफ इंडिकेट करता है। सो ये जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं ये केवल और केवल रोटेटर कफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो टीआर टेली।